सुनिए सुनिए, एक खबर आई है, पता है क्या? एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी, आपको शायद रुला देगी। क्या आपको पता है पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है? क्लिक बेट नहीं है और ना ही हम झूठ बोल रहे हैं। अब आपके मन में भी वही सवाल आ रहा होगा जो हमारे मन में आया ये खबर सुनकर। वो गरीब पाकिस्तान जो इस वक्त कर्ज और भूखमरी से जूझ रहा है, वो कैसे किसी चीज में भारत से आगे निकल सकता है? पर यही गरीब पाकिस्तान ने ना भारत को पीछे छोड़ दिया है बासमती चावल के एक्सपोर्ट में। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल एक्सपोर्टर भारत अब पाकिस्तान से इस मामले में पीछे हो गया है। ऐसा क्या किया भारत ने जिससे पाकिस्तान के बासमती की एक्सपोर्ट बढ़ गई? साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे भारत के चावल तो इनसे बेटर ही होंगे। पर आपको बता दें कि इनकी खुशबू से लेकर उपज तक सब में अंतर तो है, पर कौन सा चावल किससे बेटर है इसकी कोई खासा जानकारी नहीं है। आप ही ना बता पाए शायद कि कौन सा चावल कहां का है। हालांकि टेस्ट एटलस नाम के एक फूड एंड ट्रैवल मैगजीन के हिसाब से भारत के बासमती को बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड कहा गया है, पर कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के बासमती चावल ज्यादा बेहतर है क्योंकि वहां पर पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल होता है। चलिए अब आपको बताते हैं पूरा मामला। तो मामला यह है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा बासमती चावल के एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ की बासमती चावल की पैदावार को अच्छा माना जाता है। तो जाहिर है कि इस मामले में भी दोनों देशों के बीच कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो अब भारत के लिए मामला तब बिगड़ गया जब पिछले साल अगस्त में भारत ने अपने निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जिसे MEP भी कहा जाता है, उसे बढ़ाकर $1200 प्रति टन कर दिया था। अब यहाँ गेम हो गया, क्योंकि पहले तो भारत का MEP पाकिस्तान के मुकाबले कम था। भारत का था कुछ $800-900 प्रति टन, वही पाकिस्तान का था $1000 प्रति टन। पर अब भारत ने अपना एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर कर दिया 1200, और इससे फायदा मिला किसको? पाकिस्तान को। हालांकि इसके बाद भारत ने अपने लॉसेस को देखते हुए MEP फिर घटाकर $950 प्रति टन तो कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान का बासमती चावल एक्सपोर्ट बढ़ चुका था, लेकिन सिर्फ प्राइस कम ही अकेला रीजन नहीं था पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे। इसमें पाकिस्तानी रुपए का प्राइस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब इनका MEP $1000 प्रति टन था, तब इनके एक $1 की कीमत 250 रुपए थी। पर ये डील फाइनल होते होते पाकिस्तानी रुपए का दाम बढ़कर 285 रुपए प्रति $1 हो गया। और जब ऐसा हुआ तो इन्होंने अपना MEP और कम करके $980 से $990 पर टन बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि बायर को तो $10 से $20 का फायदा तो मिला ही, और हमारे पाकिस्तानी गरीबों को भी फॉर अ चेंज कोई लॉस नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि उनका पाकिस्तानी रुपए के फॉर्म में जो रिटर्न मिल रहा था वो अच्छा था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में पाकिस्तान के चावल के निर्यात में 200% की बढ़ोतरी हुई, और सिर्फ बासमती चावल की बात करें तो इसमें इन्हें 64% का गेन हुआ है। एक ओर जहां पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो दूसरी ओर भारत से बासमती के निर्यात में कमी देखी गई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में भारत से बासमती चावल के एक्सपोर्ट में और कमी के अनुमान है, पर पाकिस्तान से इसका निर्यात में बढ़त जारी रही। तो दोस्तों, बात का ये सार है कि शायद इस साल बासमती चावल की जंग में भारत पाकिस्तान से हार सकता है। आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।